हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संपदा नागवेकर और मैं बनाती वीडियोस रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, फिटनेस चैलेंजेस एंड व्लॉग्स। सो गाइस, मैं फॉलो कर रही हूँ रुजिता दिवेकर मैम का डाइट प्लान एंड अब टाइम है मेरे ब्रेकफास्ट का। और ब्रेकफास्ट में आज है कैबेज की सब्जी एंड चपाती। सो लेट्स टेस्ट। ऑल्सो गाइज, जो मैंने चैलेंज शुरू किया था ना, वो मैं ट्राई कर रही हूँ कंसिस्टेंटली करने का, बट क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ डेली अपलोड मुझे बहुत लेट हो जाती है वीडियो एडिट अपलोड करने के लिए, बिकॉज एवरी डे करना पड़ता है ना रात को, एंड फिर शाम को मुझे टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का। सो कल मेरा फिर से मिस हो गया और परसों भी मिस हो गया था। सो पता नहीं, अब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा आज से वही चैलेंज। अब मुझे टाइम का ठीक से यू नो अंदाज़ा लगाकर टाइम टू टाइम सब करना पड़ेगा, वरना अगर मैं एक काम में लग जाती तो वही करते लगती हूँ एंड फिर मेरा बाकी का काम छूट जाता है। सो इसलिए अभी मैंने सोचा है कि मैं अभी वीडियो एडिट करूँगी मॉर्निंग के टाइम एंड फिर शाम को मुझे एक्सरसाइज करने का फिर टाइम मिलेगा एंड फिर मैं चैलेंज कम्प्लीट कर पाऊँगी। सो या अभी करते हैं एडिट एंड फिर मैं आपको मिड मील स्नैक के टाइम मिलती हूँ। गाइज, अभी 1:30 बज चुके हैं एंड टाइम है मेरे लंच का, और लंच में मैंने आज लिया है ये। सो ये है राइस, प्रॉन्स की करी, फिर ये है बॉइल्ड एग। बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ, लाइक लिटरली आपको याद होगा कि मैंने एक डाइट किया था, वो लास्ट था, उसके बाद ये है। सो इस पे मैंने पेपर और सॉल्ट डाला है एंड फिर कुकुम्बर लिया है। सो लेट्स टेस्ट। सो अब मैं मेरा लंच इंजॉय करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइज, अब टाइम है बुक रीडिंग का और आज का टॉपिक है हाउ टू ब्रेक द बिलीव्स दैट होल्ड यू बैक। सो यहाँ लिखा है, इन द बिगिनिंग रिपीटिंग अ हैबिट इज असेंशियल टू बिल्ड अप एविडेंस ऑफ योर डिजायर्ड आइडेंटिटी, बट एज यू लेज ऑन टू दैट न्यू आइडेंटिटी, हाउएवर, दोज सेम बिलीव्स कैन होल्ड यू बैक फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। सो या इनका कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी एक आइडेंटिटी है एंड हम उस आइडेंटिटी से स्टक रहे एंड कभी इम्प्रूवमेंट ना लाए तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। या इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक टीचर का। सो अगर वो न्यू टीचिंग इनोवेशंस यूज़ ना करे, लाइक पहले ऑफलाइन थे स्टडीज़, फिर कोविड के वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब टीचर्स को आना पड़ा। सो अगर वो न्यू वो टेक्निक सीखते ही नहीं तो यू नो वो छूट जाते, वो टीचिंग करियर में आगे बढ़ ही नहीं पाते। ऑल्सो इन वेट लॉस, अगर हमारा वेट स्टक है एंड अगर हम वही चीज़ें बार बार कर रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, लाइक न्यू एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, न्यू डाइट नहीं फॉलो कर रहे, डाइट एज इन यू नो लाइक डिटॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं बॉडी का, यू नो कुछ नई चीज़ें लर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वेट लॉस भी यू नो वही स्टक रह जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। सो वन सोल्यूशन इज़ टू अवॉइड मेकिंग एनी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड ओवरवेलमिंग पोर्शन ऑफ हु यू आर, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। सो नेक्स्ट पॉइंट है, वेन यू क्लिंग टू टाइटली टू वन आइडेंटिटी यू बिकम ब्रिटल, लूज दैट वन थिंग एंड यू लूज योर सेल्फ। सो यह एग्जाम्पल दिया है, अगर आप एक बहुत अच्छे सोल्जर हो एंड आप वही अपनी आइडेंटिटी मान रहे हो, तो अगर आपका वो सर्विस पीरियड एंड हो गया उसके बाद क्या? अगर आप एक सीईओ हो एक कंपनी का, अगर आपकी कंपनी को किसी ने बेच दिया तो फिर आपका क्या? सो हमें अपने आप को ऐसे रिडिफाइन करना चाहिए कि जो उस आइडेंटिटी के की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो उसे हम रखें, इवन इफ द रोल कीप्स चेंजिंग। सो अगर आप एक सोल्जर हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक रिलायबल डिसिप्लिन्ड एंड ग्रेट ऑन अ टीम पर्सन हूँ। अगर आप एक सीईओ हो तो आप कह सकते हो आई एम अ पर्सन हु कैन बिल्ड ग्रेट थिंग्स। हम सब ये जानते हैं कि लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारी ओल्ड हैबिट्स हमारी लाइफ के साथ हैंड इन हैंड चल रही है या नहीं, क्या हमारी हैबिट्स हमारी लाइफ को सर्व कर रही है या नहीं, या क्या हमें न्यू हैबिट्स को अपनाना है, ओल्ड हैबिट्स को पीछे छोड़ देना है। ये मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ बिकॉज अब यूट्यूब पे मेरा जो कंटेंट है मुझे लग रहा है ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ। मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपका भी फीडबैक आया है। सो इसलिए यू नो आई शुड ऑल्सो थिंक अबाउट माई हैबिट्स एंड मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ
अपने कंटेंट में भी एंड कैसे ग्रो कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हाई लास्ट लाइन है, अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज पॉइजन, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू इज एंटीडोट. इसी बात पे हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर ख़त्म हो गया. अब सिर्फ कंक्लूजन का चैप्टर बाकी है, इसके बाद ये बुक ओवर. मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक पढ़ के एंड आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करके, क्योंकि इसमें ना बहुत से लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स कवर किए हैं. एंड आई विल ऑलवेज कम बैक टू दिस बुक क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया. एंड हाँ, इसी बात पे अब जाके बनाते हैं हमारी कॉफ़ी एंड आज साइकिलिंग के लिए भी जाएंगे हम. सिया. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple bouncers, go on pizza. It's a fruit and you. आज दूसरा दिन है एंड कल रात डिनर को मैंने खाया था फ्रेंच टोस्ट. सो फ्रेंच टोस्ट में सिर्फ अंडा है, उसमें आपको ब्रेड ऐसे डिप करके फ्राई करना पड़ता है. फ्राई इज नॉट डीप फ्राई, जस्ट शेलो फ्राई. थोड़ा घी डाल के मैंने फ्राई कर लिया था तवे पे एंड खा लिया. बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है. एंड यस, अब मैं ये व्लॉग यही एंड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं आपको मेरे अगले व्लॉग में मिलती हूँ. सो तब तक के लिए बाय गाइस, सी या.